मैं वर्षा परगट आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कनेक्ट स्ट्रेट में। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन हमारे लिए है क्योंकि आज वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे है और मेरे साथ आज सौभाग्य ये है कि बहुत बड़े बड़े जो नामांकित कार्टूनिस्ट है वो उपस्थित है। तो आज हम जानेंगे कि क्यों ये वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो मेरे साथ आज जुड़े हैं संजय मिस्त्री जी जो बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट है। सर मैं आप सर एक सवाल कि आपने जो बताया कि हाउ इट स्टार्टेड, तो आज की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर इस फील्ड में नहीं है, बहुत रेयरली हम देखते हैं। तो आप जो बच्चे हैं जो ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको क्या मैसेज क्या देना चाहिए, क्योंकि कार्टून एक कार्टून ऐसा बोलते हैं ना एक आर्टिकल के बराबर होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे। सही बात आपने कही, लेकिन आपने जो बोला ना कि जनरेशन आज कार्टून की तरफ कला की तरफ मुड़ती नहीं, उसका दोष लड़कों का नहीं है, पेरेंट्स का। अगर मैं बोलूंगा तो पेरेंट्स लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आज पेरेंट्स लोगों को शिक्षा देने की जरूरत है। पेरेंटिंग इस सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर देने की जरूरत है और मैं देता हूँ अलग अलग जगह पे पेरेंटिंग के ऊपर में लेक्चर दे रहा। पालक तत्व एक एक लड़के होते हैं, एक एक लड़की होती है या दो लड़के होते हैं, तो उनको इतने लाड़ प्यार से पाला जाता है कि उनके सब जो डिसीजन है ना वो भी पेरेंट्स ही लेते हैं कि उनको क्या करियर करना है। तो लड़के वो करियर नहीं करते, कैरियर हो जाता है उनका, एक बर्डन हो जाता है। मैंने कार्टून किया था, उसमें मैंने क्या देखा था मालूम है कि मैंने स्कूल बैग दिखाए थे और आपको मालूम है कि स्कूल बैग में बच्चों के किताबों का बर्डन बहुत होता है, बराबर है ना। मैंने क्या दिखाया था, वो बर्डन से एक लड़का बेंड हो गया। आगे देखिए क्लाइमेक्स बहुत बड़ा है उसमें, लड़का वो स्कूल बैग के वजन से बेंड हो गया, लेकिन वो स्कूल बैग में स्कूल बैग के अंदर बुक्स नहीं है, पेरेंट्स है, दोनों माँ बाप खड़े हैं और उसको बोले चलो आगे। मतलब वो लड़का है, वो बर्डन उसके पीछे किसका है, पेरेंट्स का है। बहुत से लड़कों को इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं जाना होता है, आर्टिस्ट बनना होता है, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा भतीजा इंजीनियर बन गया तुमको बनना पड़ेगा। वो भी ऐसा नहीं है कि मैकेनिकली बनो, तुम इलेक्ट्रिकली बनो, क्योंकि वो दूसरा बन गया ना, मेरे भाई बहन का लड़का बन गया ना इसलिए तुमको बनना है, नहीं तो मेरा स्टेटस कम हो जाएगा। उसका कारण क्या, मतलब 1991 से जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन आ गया है उसके कारण अपने देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा माहौल हो गया कि पैसा सब कुछ है। असल में पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा हम एक उपजीविका का साधन होता है। क्या होता है मालूम है, मैं बोलूं ना टाइम है ना, क्या होता है मालूम है, जीविका और उपजीविका, हिंदी में यही शब्द है ना, जीविका और उपजीविका, जीविका और उपजीविका। स्कूल में जो हेडमास्टर होते हैं ना, जो मेन हेडमास्टर होते हैं ना उनको मुख्याध्यापक बोला जाता है, और उसके नीचे जो होते हैं ना उनको उप मुख्याध्यापक बोला जाता है बाद में, बराबर है। हम किसी आदमी को अगर पूछते हैं आपके उपजीविका का साधन क्या है, क्या पूछते हैं, उपजीविका का साधन, जीविका का साधन नहीं पूछते। जीविका का साधन क्या होता है, फिर जीविका का साधन कला साहित्य ये चीजें होती है। चीनी भाषा में एक कहावत है, बहुत बढ़िया कहावत है, अगर आप 2 रुपया कमाते हैं तो 1 रुपए की रोटी लीजिए और 1 रुपए का फूल लीजिए। रोटी आपको जिंदा रखेगी और फूल जिंदगी का मकसद क्या है वो बताए। आजकल क्या होता है कि सब लोग रोटी के पीछे दौड़ते हैं, फूल की कोई बात ही नहीं करता है, और फूल जीवन में बहुत आवश्यक है। तो लोगों को और पेरेंट्स को खास करके, आप कोई भी जॉब करिए लेकिन आप उसके साथ कोई कला की साधना कीजिए, तपस्या कीजिए, ताकि आपको जीने का एक मकसद मालूम हो जाएगा। हम घर में फ्लावर पॉट रखते किस लिए रखते हैं, फिर एक कला का रूप के हिसाब से रखते हैं ना। तो मैं आपको यही संदेश दूंगा कि आप कोई भी काम कीजिए लेकिन उसके साथ कला की उपासना कीजिए,
जो आपको एक जिंदगी में अच्छा रास्ता दिखाएगी। धन्यवाद। थैंक यू। तो सर ने हमें बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उपजीविका एंड जीविका। तो महाराष्ट्र आणि वडोदराच्या सगळ्या प्रेक्षकांना आज हा खूप मोठा संदेश दिला सरांनी। धन्यवाद सर।